काव्य शंकराध्य, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशी विश्वनाथ के नगर में, वाराणसी में, और नमोघाट ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लेकिन आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर मां शारदा के दर्शन पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ रही है। आखिरी चरण के लिए पूरा जोर पार्टियों ने लगाकर रखा हुआ है। सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है, लेकिन उसके ठीक पहले पश्चिम बंगाल की जो 9 सीटें हैं उनको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कोलकाता में अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए, जब मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। एक तरफ कोलकाता की काली कलकत्ते वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ माता शारदा जिनसे जीत का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखिए किस तरह से उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और यहां पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रखी हुई है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आखिरी चरण की ये वो 9 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, जिसमें बीजेपी को पिछली बार एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहां पर कमल के फूल को लहरा दिया जाए, 9 में से ज्यादा सीट हासिल की जाए, चाहे वो कोलकाता उत्तर हो, कोलकाता दक्षिण की सीट हो, बशीरहाट की सीट हो, या फिर दूसरी अन्य सीटें जाधवपुर की सीट हो। इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह से माता रानी का आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे क्या क्या कार्यक्रम होना है और वहां पहुंचकर जबरदस्त तरीके से ममता सरकार पर हमला बोला है नरेंद्र मोदी ने। इंद्रजीत, बिल्कुल चित्रा, ये तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का आज पूरे दिन में पश्चिम बंगाल में। पहले वो 12-7 में एक पब्लिक रैली किए, उसके बाद उन्होंने जादवपुर में एक पब्लिक रैली को संबोधन किया और अब उनकी रोड शो की बारी है। और उसकी किस तरह का एटमॉस्फेयर है वो आपको दिखाएंगे इस रोड शो का बर्ड्स आई व्यू सिर्फ आज तक पर। ये देखिए वो गाड़ी है सामने, ये श्याम बाजार का जगह इलाका है उत्तरी कोलकाता में क्षेत्र में, जहां से ये रोड शो शुरू होगा। कुछ ही मिनटों की इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पे पहुंचने वाले हैं। जमकर नारेबाजी इस वक्त हो रही है, बीजेपी समर्थकों के बीच में काफी उत्साह है और जो इंद्रजीत किसी वजह से आपका वीडियो स्पष्ट नहीं आ पा रहा है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, मां शारदा के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, यहां की क्या महत्ता है इस मठ की, जरा उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए और आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, माँ शारदा को एक तरह से देवी के रूप में देखा जाता है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा, उनके साथी, उनको भी पूजा जाता है और बंगाल में बहुत मान्यता है माँ शारदा की। तो एक तरह से ये विरासत की लड़ाई आज जो देखने को मिल रही है वो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है। माँ शारदा का जो मंदिर है बाग बाजार में, वहाँ पर उनका दर्शन की आरती करने के बाद वो पहुंच रहे हैं श्याम बाजार के पास, 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर। श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर एक आइकॉनिक स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो आएंगे वो विवेकानंद का जो पैतृक घर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं विवेकानंद का पैतृक घर, यहां पर ये रैली समाप्त होगी। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है और इस शुरुआत होगी श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से और उसके बाद यहाँ पर खत्म होगी। यहाँ पर विवेकानंद का जो स्टैचू है वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे और इस दौरान पूरे रास्ते में दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और हजारों की संख्या में समर्थक आप देख सकते हैं पूरे रास्ते इसी तरह बस की बैरिकेडिंग के पीछे लोग उत्सुकता से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले लगभग 2 घंटों से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है बीजेपी के लिए ये रैली। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता में ये पहली रैली है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में कोई रोड शो नहीं किया है, मतलब रोड शो पहला ये रोड शो है और उत्तर कोलकाता उन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि ये काफी पहले से प्लानिंग की गई। कोलकाता और उसके आसपास की जो 9 सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है, सभी पर 2019 में टीएमसी जीती थी, टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है। ऐसे में अगर इस स्ट्रांग होल्ड को तोड़ना है तो जो अर्बन बंगाली मानसिकता है उस
उसमें सेंध लगानी होगी और उसी की वजह से ये रोड शो बीजेपी के लिए खास महत्वपूर्ण हो जा रहा है। उत्तर कोलकाता ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी की सोच है कि वो यहां पर चुनाव जीत सकती है इस बार, और अगर ऐसा हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का जो सबसे मजबूत किला है उसमें सेंध लग जाएगी। जो वोट शेयर है, जो सबसे कोर वोट शेयर है ममता बनर्जी का, उसमें भी सेंध लगनी शुरू हो जाएगी। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते अपने वोट शेयर को न सिर्फ बढ़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि पिछली बार हारी हुई पूरी की पूरी 9 सीटों पर अपना वर्चस्व जमाना चाहती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का लंबा चौड़ा रोड शो और वहां पर पब्लिक रैली होनी है, उसके ठीक पहले मां शारदा के दर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। कोलकाता की लड़ाई जबरदस्त है, 9 सीटों पर मतदान होना है 1 तारीख को, लेकिन उसके पहले आपको लेकर आते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी में। आपको बताते चले पूर्वांचल की कुल 13 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है 1 तारीख को उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनमें से 11 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, जिनमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी। लेकिन वाराणसी में आज इंडिया गठबंधन ने किस तरह से रैली की है, अखिलेश यादव जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने G20 का मतलब भी समझाया और इसी के साथ ही बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यहां से जा रही है। तो राहुल गांधी अपने ही अंदाज में खटाफट फटाफट कहते हुए नजर आए और ये बोले कि 4 जून को बीजेपी की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों नेताओं की ओर से किस तरह से हुंकार भरी गई है वाराणसी पहुंचने के बाद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है जहां से हैट्रिक लगाने की वो कर चुके हैं तैयारी। पहले दोनों नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद बीजेपी ने क्या किया है पलटवार वो भी दिखाएंगे। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पुणे में अमीर घर के बच्चे ने, 16 साल 17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊपर वाला, टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो, और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते। ये है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता, अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर GST लगता है, और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को आपने सुन लिया, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से आज हिमाचल प्रदेश में कैसे करारा वार किया गया है इंडिया गठबंधन पर, और बीजेपी हैट्रिक के साथ बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, क्या कुछ बयान उनकी ओर से दिया गया है अब जरा उन्हें सुनिए। मित्रों, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, जब इस सरकार की, हिमाचल सरकार की, विक्रमादित्य की सरकार की बात हो रही है, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, मोदी जी ने 1,782 करोड़ रुपए बाढ़ के बाद, ये त्रासदी के बाद राहत कार्य में भेजा है, राहत कार्य में, और 2,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, गाम की सड़क बनाने के लिए दिया है, और 11,000 नए घर बनाने के लिए पैसा दिया है, 11,000 घर बनाने के लिए। लेकिन ये सरकार बंदर बांट कर रही है, बंदर बांट
ये सरकार जमीन पर लगा नहीं रही है। आप कंगना जी को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, इनका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा मैं। लेकर चलते हैं अब आपको बिहार, जहां पर छात्र की हत्या के बाद सियासत सुलगी हुई है, वहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष की ओर से इसको मुद्दा बना लिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे जंगलराज कहा है, नीतीश कुमार को घेरा है, तो बीजेपी को लेकर भी जमकर सवाल उठाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरोसा दिया गया है कि कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अब किस तरह से नए सिरे से सियासत परवान ले रही है बिहार की, अब उसको बताते हुए अगली रिपोर्ट देखिए। अंतिम चरण के रण में सबको ज्यादा सीटें पाना है, इसीलिए सब ने ठाना है कि ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना है और अपने अपने नंबर बताना है। अमित शाह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 4 जून को दोपहर 2 बजे कांग्रेस क्या करे। इतना ही नहीं, खड़गे पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, 4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव से पहले ही अब की बार 400 पार का नारा दिया था, 5वें चरण के बाद तो गिनती बताने लगे थे कि कितनी सीटें आ रही हैं, मगर कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी कितने पर सिमट जाएगी, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी। गनीमत है, हम कुछ किस्मत है, दो 4 जून को लेकर दोनों दलों में जबरदस्त जुनून देखने को मिल रहा है, भरोसे से भरे हुए वादे किए जा रहे हैं। 4 जून को एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी अपने दावे कर रही है, नंबर बता रही है और विपक्षी दल अपने नंबर गिना रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी 140 सीटों पर सिमट जाएगी। अब लालू यादव भी कह रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। इन तमाम वादों और दावों के बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। जहाँ तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता ने पलटवार किया। वो घबरा गए, उनको पता हो गया है कि पिछले बार जो 0 पर हम अटक गए थे, जो 0 पर अटक गए थे, वही हर हाल जो है इस बार होने जा रहा है, इसीलिए बखला गए हैं, बेचैन हो गए हैं, तो अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए। 4 जून की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी जमातों के बयान और आरोप बढ़ते जा रहे हैं, मगर 4 जून से पहले 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और उसके लिए जबरदस्त घमासान है। आज तक ब्यूरो। दावों का दमखम दिखाया जा रहा है, लेकिन अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। आपको बताते चले, 9 चरणों में 7वें चरण यानी कि अंतिम फेज में 1 जून को मतदान होना है। इन 9 सीटों में से एक भी सीट पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार जिस तरह की कोशिशें की गई हैं, आपको बता दें चाहे उत्तर कोलकाता हो, दक्षिण कोलकाता हो, बसीरहाट की सीट है जहां पर संदेश खाली की पीड़िता को ही उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, इसके अलावा जादवपुर की सीट, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर आखिरी चरण में वोट डाले जाने हैं। और आज के अपने इस रोड शो के जरिए अपने अलग
अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए दरअसल इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। यही कारण है कि उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम कोलकाता को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर बना हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा भी है कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें उसको पश्चिम बंगाल से ही मिलने वाली हैं और ममता बनर्जी का सूपड़ा वहां से साफ होगा। अब उनके दावे में कितना दम दिखता है ये तो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन यकीन है बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति झोंक कर रखी हुई है पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर अपना दमखम दिखाने की और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की। उनके रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और आपको बताते चले कि वहां की जितनी भी महान विभूतियां हैं उनके अलग अलग रास्तों से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का रूट बनाया गया है ताकि वहां पर जाकर वो उन महान भूतियों के भी दर्शन कर सके, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सके और इसके जरिए राजनीति में एक अलग संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। अब इसका क्या रहेगा असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आज तक ने मैंने खुद जाकर इन महत्वपूर्ण सीटों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आप तक पहुंचाया भी था। और आज बारी है पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोकसभा सीट की। कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था लेकिन टीएमसी ने बाजी मार ली, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कैसे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, क्या मुकाबला त्रिकोणियों होगा या फिर होगा एक तरफा, ग्राउंड रिपोर्ट में जादवपुर से आप जरूर देखिएगा मेरी ये रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं चुनावी शंखनाद में। वाराणसी से नमो घाट से अभी के लिए बस इतना ही।